विकास परिषद के तत्वाधान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। वृंदावन बाल विकास परिषद के तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित बालेंदु सेवा संस्थान पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश में हुए लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज 200 दिन तक लगातार निर्धन असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्री बिंदु सेवा संस्थान के सचिव पूर्णंदु गोस्वामी को कोरोना वायरस अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी रुद्र देवानंद महाराज ने कहा कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने की हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है। आज उसी संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करते हुए कोरोना काल में भोजन के लिए तरस रहे लोगों को 200 दिन तक लगातार भोजन उपलब्ध कराना वास्तव में सराहनीय सेवा कार्य है। प्रमुख शिक्षाविद शंभु चरण पाठक ने कहा कि आज समाज सेवा के विभिन्न स्वरूप समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन सच्ची सेवा वही है जिसमें मानवता की सेवा हो। भोजन देने से एक भूखे व्यक्ति की केवल भूख शांत नहीं होती बल्कि उसका जीवन भी बचता है। अवार्ड पाकर हर्षित नजर आए पूर्णंदु गोस्वामी ने कहा कि यह सम्मान ब्रजवासियों को समर्पित है, उन्हीं के आशीर्वाद से यह सम्मान मुझे मिला है और निर्धन असहाय वर्ग के लोगों को आगे भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का कार्य जारी रहेगा। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार गौतम, शैलेंद्र सिंह, सोनू गोस्वामी, पवन कुमार, मनीष शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सोनू गोस्वामी, वृंदावन समाचार 24। यहाँ जो है लॉकडाउन का जो प्रथम दिन था, प्रथम दिन से जो है सेवा कार्य जो है क्षेत्र का कार्य जो निर्वृत चलता रहा और हमारे जो पूर्णेंद्र बापू जी जो हैं उनकी तरफ से ये सारी कार्य जो चले और आज जो है उसका शतक तो एक होता है लेकिन उन्होंने डबल दोहरा शतक जो आज लगाया है और दोहरे शतक के रूप में आज उनको जो है यहाँ पे बधाई दी गई है। और ऐसा कार्य उन्होंने जो अन्य क्षेत्र का किया है कि अन्य क्षेत्र का जो कार्य होता है अन्य धनम सर्वधनम प्रत्यज, यानी अन्य का जो दान होता है वो सबसे बड़ा दान माना गया है और आज उस सेवा को उठाकर उन्होंने जो है निर्वृत उस सेवा को 200 दिन तक बरकरार चलाया और आगे भी वह सेवा लगातार चलती रहेगी। पूर्णेंदु जी की जो है ये सेवा से जो है हमें बड़ी प्रसन्नता और बड़ा खुशी और एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसी सेवा के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और इस सेवा को जो है सर्वप्रथम जो है आज हमारे पूर्णेंदु जी ने प्रारंभ किया और आज 200वें दिन के बावजूद भी आज उनका ऐसा भाव है कि ये सेवा निर्वृत जब तक है तब तक चलती रहेगी। इसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आयोजन रहा आज भैया? ये आयोजन लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था जी 23 मार्च, तो मोदी जी ने कहा था कि 2 हफ्ते के लिए और उसी समय नवरात्रि थी, तो ऐसे ही मन में आया था कि चलो इस बार नवरात्रि जो है 2 हफ्ते की सही। और मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट लिख दी और उसके बाद जो है हमारे विष्णु छोटे भाई वृंदावन बाल विकास परिषद, विष्णु का फोन आया कि भैया मैं भी आ जाऊं। और वो ऐसा शुरू हुआ विष्णु के साथ वृंदावन बाल विकास परिषद के साथ कि चल रहा है, अब कब तक चलेगा? कई लोग मुझसे पूछते हैं तो भाई मुझको भी नहीं पता कब तक चलेगा, इतना पता है कि चल रहा है, जब तक चल रहा है चल रहा है। और इसमें बाल विकास परिषद और अन्य भी जो है कई मित्र हैं हमारे, GLA से विवेक अग्रवाल है, अवधेश अग्रवाल, बहुत मित्र हैं जो है जिनका सहयोग बरोबर मिलता रहता है और अनवरत चल रहा है। देखो कब तक चलेगा, बस चलता रहे। 200 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है आगे भी चलेगा ये दोहरा शतक के बाद? हाँ, शतक ही नहीं रुकेगा। 200 हुए हैं शायद, जो है देखो जो है जल्दी 300 भी हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही दिन बढ़ते रहें, लोगों को भोजन मिल रहा है, किसी की भूख मिट रही है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता।